हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा साइंस में। मेरा नाम है रुकेश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। तो अगर आप बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब है, एक कंप्यूटर ग्राफिक्स इज एन आर्ट टू ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट ऑन टू द स्क्रीन यूजिंग प्रोग्रामिंग्स और डेटा स्ट्रक्चर। कंप्यूटर ग्राफिक्स एक प्रोसेस है जिससे हम मतलब हमारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर की मदद से। यहाँ पर हम जो मतलब मूवीज़ वगैरह देखते हैं, जो 3D मूवी होती है, तो उसमें जो भी करेक्टर या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाए जाते हैं। जैसे कि माय सॉफ्टवेयर से टाइटैनिक में सी का व्यूज़ बनाया गया था और स्पाइडरमैन बैटमैन में सारी जो क्रिएटिविटी दिखाई जाती है वो सारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से ही की जाती है। जैसे कि टाइटैनिक का एक पिक्चर है, उसके शिप की जो डूबता हुआ दिखाया गया है, तो इसमें ग्राफिक्स के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। तो यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ ए कलेक्शन ऑफ एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर का जो है कलेक्शन होता है, और इस प्रोग्राम को यूज़ करके हम कंप्यूटर ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो ये नहीं कि हम एक ही प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स बना सकते हैं, हम बहुत सारी जितनी भी लगभग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में कंप्यूटर ग्राफिक्स बना सकते हैं। या फिर हम अगर इसको ईजी में अगर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स करना चाहते हैं तो इसके लिए पैकेजेस आते हैं, जैसे माया 3D मैक्स ब्लेंडर, यहाँ तक कि हमारा एमएस पेंट भी। तो यहाँ पर ये एचटीएमएल प्रोग्रामिंग को एक ड्रॉ करके ये पिक्सल्स बनाए गए हैं, यानी एक ग्रिड बनाया गया है। तो ये कोई सी प्रोग्रामिंग हम यूज़ करके बना सकते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज ए डिसिप्लिन ऑफ प्रोड्यूसिंग पिक्चर और इमेज यूजिंग कंप्यूटर इंक्लूडिंग मॉडलिंग, क्रिएशन, मैनिपुलेशन एंड ट्रेड ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्टिंग ए सीन टू एन इमेज टू प्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन शेडिंग रेस्टराइजेशन ऑफ द इमेज। यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स से हम करेक्टर को सिर्फ क्रिएट ही नहीं कर सकते, उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी इफेक्ट डाल सकते हैं उसमें, शेडिंग कर सकते हैं या मूविंग कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्टोरेज भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स की, कंप्यूटर ग्राफिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। पैसिव में जो होता है हम इसको ऑफलाइन ग्राफिक्स भी कह देते हैं। ये इस तरह की ग्राफिक्स जब क्रिएट डेवलपर क्रिएट कर देता है तो यूज़र के पास कोई कंट्रोल नहीं होता है इसे ये एक्सेस करने के लिए, वो सिर्फ इसको एक्सेस कर सकता है, इसको एडिट या फिर इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि स्क्रीन शेवर में यूज़र्स को कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली मूव होते रहते हैं, या गिफ्ट फाइल या एक स्टेटिक पेज HTML का जो डेवलपर ने तैयार किया है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये गिफ्ट फाइल है कुछ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होते हैं उसको ऑनलाइन ग्राफिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन पर हमारा डायनेमिकली कंट्रोल होता है डिस्प्ले पर। हम अपने जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको मूव करा सकते हैं, ये इसको हम ICG भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो इसमें यूज़र इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होता है मशीन के साथ, यानी यूज़र का कंट्रोल होता है जो हमारे ग्राफिक्स होता है उस पर। यहाँ पर वीडियो गेम्स और CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो हम नक्शे वगैरह बनाते हैं तो इस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, या कंप्यूटर जनरेटेड इमेज पर। यहाँ पर ये वीडियो गेम है मारियो का, तो इस पर हमारा कंट्रोल होता है, तो ये इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में आता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें पहला आता है डिजिटल मेमोरी बफर। डिजिटल मेमोरी बफर क्या करता है, ये इमेज या पिक्सल को बिट की फॉर्म में स्टोर करके रखता है अपने डेटा में, अपनी मेमोरी में, यानी कि हमारा जो इमेज होता है उसको कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी फॉर्म में और बाइनरी को स्टोर करके रख लेता है। जब यूज़र को उसकी ज़रूरत होती है तो ये फ्रेम बफर में से उसको निकाल करके और डिस्प्ले मॉनिटर कर देता है। यहाँ पर 0 को रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टनेस को और 1 रिप्रेजेंट करता है इमेज को और पिक्चर को, यहाँ पर कंटेंट है। और टीवी मॉनिटर यानी BGA CRTs वगैरह हो गए, ये सब हमारे टीवी मॉनिटर में आ जाते हैं। डिस्प्ले कंट्रोलर को हम वीडियो कंट्रोलर भी कह सकते हैं। डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है टीवी मॉनिटर
और मेमोरी बफर के, जो भी पीछे मेमोरी बफर था उसके बीच में। ये कंटेंट पास करता है फ्रेम बफर से मॉनिटर की तरफ, यानी कि बाइनरी फॉर्म को, बाइनरी फॉर्म को ग्राफिक्स ग्राफिक्स के फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो हमारा बाइनरी में स्टोर है उस पर प्रोसेस करता है और उसको मॉनिटर कर देता है। सिंपल लास्टिक ग्राफिक पैकेज स्टैंड फॉर सिंपल लास्टिक ग्राफिक्स पैकेज। ये लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड करके रखता है प्रीमिटिव्स के, यानी कि लाइन, सर्कल, इलिप्स वगैरह के, उसके टाइप्स, उसके डेटा टाइप्स जो वो स्टोर करता है और कंटेंट्स जो स्टोर करता है। ये प्रोवाइड करता है, ये कैनवास के ऊपर अप्लाई होता है 2D एरे ऑफ पिक्सल, यानी कि कैनवास हमारी जो पूरी मॉनिटर डिस्प्ले होती है ये उस पर अप्लाई होता है और मेमोरी बफर में स्टोर करके उसको, मतलब जो हमारी डिस्प्ले पे इमेज होती है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके और फ्रेम बफर में स्टोर करके रख लेता है एक एरे के फॉर्म में। ये कैनवास का अपना खुद का लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वो अपना खुद के कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके, और लोकल प्रिंटर को कंट्रोल नहीं कर सकता है sRGB कंटेंट जो होता है हमारा। अब हम सिंपल लास्टिक ग्राफिक पैकेज से अगर हमें कोई पिक्सल वगैरह ड्रॉ करना है अपने मॉनिटर पे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो मतलब कि sPRGB से हम डिस्प्ले करते हैं या फिर मतलब ड्राइंग करते हैं तो वो वेरीफाइंग रेट में होता है, ये 80 से 120 पॉइंट्स पर इंच पे अप्लाई होता है और हम इसको बढ़ा भी सकते हैं जितना हमारा रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का उस हिसाब से। जैसे यहाँ पर ये सी का प्रोग्राम है ग्राफिक्स का वो पिक्सल को डिस्प्ले करने के लिए sRGB से, तो यहाँ पर ये 200 और 300 एंड वाइड ये आ गए हमारे इसके आर्ग्यूमेंट्स जो हमने पास किए हैं। और यहाँ पर ग्राफिक, यहाँ पर उसका पाथ दिया जो यहाँ पर ग्राफिक्स ड्राइवर है, ये फाइल्स हो गई लाइब्रेरी फंक्शंस। हम तो अगर हमें पिक्सल ड्राइंग करना है या फिर कोई भी प्रिमिटिव ड्राइंग करना है अपने sRGB से कैनवास पर तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट वेयर द ओरिजिन 00 इज, हमें जो ओरिजिन होता है हमारा कहाँ पर है वो हमें देखना होता है अपनी डिस्प्ले पे। देन व्हाट प्रिमिटिव्स आर यू प्रोवाइड टू, यानी कि हम कौन सा प्रिमिटिव्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं, लाइंस कराना चाहते हैं या ट्रायंगल या लिप्स जो है। फिर हम उसके एट्रीब्यूट्स देते हैं कि वो एट्रीब्यूट क्या क्या रखता है। जैसे यहाँ पर लाइन का एग्जाम्पल देकर दिखाया गया है x1 y1 x2 y2। तो x1 कोऑर्डिनेट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, x का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, y का कोऑर्डिनेट कहाँ है, x2 x कोऑर्डिनेट ऑफ एंडिंग पॉइंट और y एंडिंग का पॉइंट, यानी कि x1 और y1 तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर हैं और x2 y2 हो गए एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पर वहाँ उनके बीच की जो दूरी होगी उससे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये यहाँ पर पिक्सल ड्रॉ हो गया है जो प्रोग्राम था उसकी मदद से। ये मैंने अपने लैपटॉप का रेजोल्यूशन लिया है तो ये यहाँ पर पिक्सल प्रिंट करेगा। ये ग्राफ रिप्रेजेंटेड होगा उस पिक्सल का 230 में। तो ये एक्स से तो 200 पे हो गया 300 पे, वाई से हो गया 200 पे। अब बात करते हैं रास्टर ग्राफिक्स के फीचर्स के बारे में। तो इसमें पहला फीचर्स आता है कैनवासेस। कैनवास जो होता है वो हमारी पूरी डिस्प्ले होती है जिस पे हम वर्क करते हैं, यानी कि ये जो होता है ये इमेज को स्टोर कर रखता है पूरी एरे ऑफ पिक्सल पे और वक्त पड़ने पर फ्रेम बफर से डेटा को उठा करके डिस्प्ले पे मूव करा देता है, तो उस डिस्प्ले को कहते हैं कैनवास। ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स हार्डवेयर के बीच में बफर का काम करता है। और जब हम एक बार कैनवास क्रिएट कर देते हैं तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है उस तरह से, नहीं पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है उसकी तरह से, सॉरी ऑफलाइन कंप्यूटर ग्राफिक्स की तरह से हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर इसका सिंटैक्स है कैनवास क्रिएट करने के लिए। जैसे ये हमारा MS Paint का ये विंडो है, तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक फाइल का ये है तो इसे हम कैनवास कहेंगे क्योंकि हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ये डेवलपर ने डिज़ाइन कर दिया है तो हम इसको
चेंज नहीं कर सकते। क्लिप इन रेक्टेंगल, तो ये क्या होता है, जैसे कि हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो क्लिपिंग यानी उसको मतलब जो हम प्रिमिटिव्स डिज़ाइन करते हैं, जो हमारा पोर्शन होता है स्पेस जो हमारा कैनवास है उससे बाहर या उसके अंदर जो भी पोर्शन होता है वो क्लिपिंग कहलाता है, क्योंकि हमारा जो हमारी डिस्प्ले होती है वो रेक्टेंगल शेप में होती है, तो इसलिए हम क्लिपिंग रेक्टेंगल्स कह देते हैं। जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड ये क्लिपिंग रेक्टेंगल काम करता है। हम क्लिपिंग रेक्टेंगल को चेंज कर सकते हैं जब भी हमारी मन चाहे, क्योंकि हम उसके विंडो को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं, उसका साइज उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं या साइज बढ़ा सकते हैं। दूसरा आता है sRGB कॉपी पिक्सल, तो sRGB कॉपी पिक्सल यानी कि हमारी डिस्प्ले को इमेज है तो हम उसके पिक्सल्स को कॉपी कर करके एक दूसरी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे हम बिट ब्लॉक ट्रांसफर भी कहते हैं, पिक्सल ब्लॉक। अगर हमारी बिट के फॉर्म में है तो हम बिट ब्लॉक ट्रांसफर करेंगे, और पिक्सल के फॉर्म में हमारी डिस्प्ले है यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पिक्सल के फॉर्म में है तो हम उसे पिक्सल ब्लॉक ट्रांसफर करेंगे। हम इसको इम्प्लीमेंटेड कर सकते हैं, यहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई हैं। नेस्टेड फॉर लूप की तरह से हम ईच पिक्सल पिक्सल वाइज पिक्सल उस फॉर लूप लगा करके बहुत सारे पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं और उससे कॉपी कर सकते हैं इमेज को। हम बहुत कुछ कर सकते हैं एक एरो पिक्सल से, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम उसको मूव कर सकते हैं, और हम लोकल इमेज मेमोरी से पिक्सल को कॉपी कर सकते हैं दूसरी जगह पर। इसकी मदद से हम काफ़ी सारे पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये सोर्स हमारा, ये सोर्स था, हमने यहाँ से यहाँ तक सोर्स रेक्टेंगल लिया और यहाँ से डेस्टिनेशन यहाँ तक कॉपी कर दिया, तो ये जो हम नॉर्मली कर लेते हैं पेंट में उठा करके ड्रैग कर दिया, लेकिन इसमें हमने यूज़ किया है कॉपी पिक्सल ऑपरेशंस का, तो ये पिक्सल वाइज सेलेक्ट करेगा सबको और कॉपी करके डिस्प्ले कर देगा। अब बात कर देते हैं sRGB की लिमिटेशंस की। तो ये sRGB क्योंकि बिट के फॉर्म में तो 3D ज्योमेट्रिकली को सपोर्ट नहीं कर सकता, यानी इस पर आप 3D वर्क नहीं कर सकते, और ये ऑब्जेक्ट लेवल ऑपरेशंस भी परफॉर्म नहीं कर सकता, डिलीट मोड चेंज कलर, बिकॉज sRGB कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ एक्शन, वो एक रिकॉर्ड्स स्टोर करके नहीं रख सकता है। विंडोज़ मतलब बहुत सारी विंडोज़ को कंट्रोल करके नहीं रख सकते आप sRGB से। अगर हमारा इमेज डैमेज हो गया तो हम उसको रिफ्रेश नहीं कर सकते दोबारा से, और हम इसको रीस्कैन नहीं कर सकते, यानी कि लाइंस वगैरह को हम दोबारा से रीस्कैन नहीं कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और हम दूसरे डिस्प्ले को स्टोर नहीं कर सकते अगर उसका रेजोल्यूशन कम हो तो। हमारे डिवाइस की अपेक्षा अगर उस पिक्चर्स का रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो हम उसे डिस्प्ले नहीं करा पाएंगे। अब बात करते हैं हार्ड कॉपी टेक्नोलॉजी की। तो हम हार्ड कॉपी आउटपुट को अपने इमेज में सेंट्रल फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन सेंड, हम अपनी इमेज फाइल को डिवाइस और सर्विस पे डिवाइस पे भेज सकते हैं उसको प्रिंट करने के लिए 3mm स्लाइड्स पे। तो हमें क्या करना होता है, भी जो हमारा फोटोग्राफ होता है उसकी सीन को डिस्प्ले करके वीडियो मॉनिटर पे, एंड उसका जो पिक्चर होता है उसके मूवमेंट को कॉपी करके पिक्चर्स को और पेपर पे आउटपुट सेंड कर देते हैं, वो हमारा प्रिंटर हो सकता है या फिर प्लॉटर। जो उस पिक्चर की क्वालिटी होगी वो डिपेंड करेगी रेजोल्यूशन पे और जो हमारा प्रिंटर है उसके डॉट साइज पर, हमारे प्रिंटर के डॉट पर इंच कितने हैं और लाइन पर इंच करते हैं। यहाँ पर दो तरह के प्रिंटर्स हो सकते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो होता है वो मतलब प्रेस करके, जैसे कि दबाव पे प्रेशर पे यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर रिबन पे हम छाप करके एक तरह से यूज़ करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर को, जैसे लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें पिनिंग लगी होती है जो पिन से डिस्प्ले कराता है। प्रिंटर हो गया, जेल प्रिंटर हो गया, जैसे ये दिया हुआ है, जैसे कि हमारे बैंक में होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो
हमारी पासबुक की एंट्री के यूज़ होता है, तो डॉट इम्पैक्ट मीटर्स होता है, डॉट मैट्रिक्स, उसके नंबर्स जो होते हैं वो आपने देखा होगा पिक्सल्स के फॉर्म में होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जनरली आजकल हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, लेज़र टेक्निक्स और इंकजेट स्प्रेस। जो जियोग्राफिक्स होती है हमारी फोटो कॉपी मशीन, जियोग्राफी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेथड, इलेक्ट्रोथर्मल मेथड, तो ये हमारे मेथड होते हैं, यही प्रिंटर के नाम दिए गए हैं। जैसे लेज़र प्रिंटर होगा, लेज़र टेक्निक यूज़ करेगा, इंकजेट हो गया, इंकजेट स्प्रेस यूज़ करेगा, थर्मल प्रिंटर है, थर्मल, इलेक्ट्रोथर्मल यूज़ करेगा, प्लॉटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेथड यूज़ करेगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हो गए, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, प्लॉटर्स। डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज तो 1960 में ये यूज हुई थी, वेक्टर डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज। तो ये वेक्टर यूज करती है लाइन ड्राइंग और कैलीग्राफिक डिस्प्ले। डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज में सीआरटी की बात करें तो सीआरटी आता है सबसे पहले, क्योंकि सीआरटी से ही जो हमारी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी थी वो यूज़ हुई है। इसमें रास्टर और रैंडम आ जाती है, एलसीडी और एलईडी। तो सीआरटी क्या था? सीआरटी एक कैथोडिक ट्यूब थी जो फास्फोरस पर वर्क करती थी, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल बीम डाल करके इलेक्ट्रॉनिक बीम डिस्प्ले पे प्रिंट करते थे, जो डिस्प्ले दिखाती थी हमें। इलेक्ट्रॉन गन होती थी, वो बीम सेंड करती थी डिस्प्ले पे। यहाँ पर फॉस्फोरस लगा होता था तो वो चार्ज हो जाता था, और कुछ देर तक अपने डाटा को यूज़ कर, जब उस पर इलेक्ट्रॉन गन पड़ती थी वो चार्ज कर लेता था। और फॉस्फोरस जो है वो थोड़ी देर इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करके रखता है अपने अंदर, और थोड़ी देर तक वो डिस्प्ले कराता था। तो कैथोड रे ट्यूब का डायग्राम है, तो ये कलेक्टर पिंस होती थी, बेस होता था फोकसिंग, ये बीक इलेक्ट्रॉन गन होती थी, तो ये यहाँ पर बीम रिफ्लेक्ट करती थी। ये फास्फोरस होता था, ये यहाँ ये वहाँ पर स्टोर करके रख देता था थोड़ी देर के लिए, जिससे हमारा फ्रेम बफर स्टोर रहता था उसमें। रास्टर स्कैन डिस्प्ले, तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या थी? इसमें ना इलेक्ट्रॉन बीम स्वैप्ट होती थी पूरी स्क्रीन पर, यानी सीआरटी की तरह सीआरटी यूज होती थी इसमें। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन बीम पूरे स्क्रीन पर स्वैप्ट होती थी, इसमें एक रो होती थी, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी। तो उस रो में जहाँ जहाँ पर भी हमारा ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट होता था उस पर पॉइंट करती थी, और पूरी लाइन को स्कैन करती थी टॉप से बॉटम तक। इसमें बीम की इंटेंसिटी टर्न ऑन ऑफ होती थी, जब उसे कुछ ऑब्जेक्ट मिल जाता था तो वो ऑन हो जाती थी, फिर ऑफ हो करके रन करती थी, लेकिन टॉप से डाउन तक एवरी लाइन विजिट करती थी। जो पिक्चर की डेफिनेशन होती थी वो मेमोरी एरिया में स्टोर कर लेता था, जो बफर था हमारा फ्रेम बफर। और फिर जब उसको स्क्रीन को पॉइंट करना होता था तो वो यहाँ से उठा करके डिस्प्ले करा देती थी। तो ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले का एग्जाम्पल है। तो ये बीम पूरी लाइन ड्रॉ करेगी, फिर दूसरी जहाँ जहाँ पर होती थी वहाँ पर ऑन ऑफ हो करके ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती थी पॉइंट्स के इसमें। ठीक है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले थी, जैसे कि यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है एक ग्राफिक्स का, जैसे ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो जहाँ पर पिक्सल वन होगा वहाँ पर वाइट पिक्सल होगा, यहाँ पर वन होगा। जीरो ब्लैक को रिप्रेजेंट करता था, अगर हमारे पास कलर हो जाते हैं तो ग्रे स्केल में 150 और यहाँ पर इसकी कोडिंग ये RGB यूज़ करके बनाए जाते हैं कलर। यहाँ पर मॉडल और फ्रेम बफर, ये यहाँ पर फ्रेम बफर में कन्वर्ट करके इसको और मॉनिटर पे डिस्प्ले करा देते थे। ये एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। तो सिंपल रास्टर डिस्प्ले सिस्टम क्या करता था? CPU से इंटरेक्ट करके और सिस्टम मेमोरी फ्रेम बफर में यहाँ से डेटा को उठा करके मेमोरी से और CPU में प्रोसेस करके जो फ्रेम बफर में उसको यूज़ करके, और पेरिफेरियल की उससे इनपुट या आउटपुट देना है वीडियो कंट्रोलर, उस फ्रेम बफर से बाइनरी फॉर्म उठा करके मॉनिटर पे डिस्प्ले करा देता था वीडियो कंट्रोलर। रैंडम जो होती थी, रैंडम यानी वेक्टर, वेक्टर से यानी कि जो डायमेंशंस है वो हमें मिल गई थी। यहाँ पर उसी पार्ट पे बीम गिराई जाती थी जहाँ पर हमें कुछ ड्रॉ करना है, यानी कि रैंडम
रैंडमली सेलेक्ट करके अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो ये सिर्फ लाइन ही ड्रॉ करेगा, पूरी डिस्प्ले पे स्कैन नहीं करेगा। यानी कि हमारी जो टॉप से डाउन तो चलेगी इलेक्ट्रॉन बीम की, लेकिन उसी पार्ट पे चलेगी जहाँ पर कोई कंटेंट होगा। जैसे यहाँ पर दिखाया है कि मेमोरी, ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया सिर्फ उसी पार्ट पे, ये लाइन वाइज यूज नहीं होगा। वेक्टर डिस्प्ले प्रोड्यूस स्मूथ लाइन ड्राइंग, यानी कि स्मूथ ड्राइंग प्रोड्यूस करके देता है इन कंपैरिजन ऑफ रैस्टर। रैस्टर से काफ़ी इफेक्टिव होता है ये। सीपीयू मेमोरी पर बिल्कुल उसी का ही प्रोसेस है। इसमें जो मेमोरी स्टोर करके रखता है वो डिस्प्ले प्रोसेसर यूज करके रखता है, यह आ जाता है उसके डिफरेंट डिफरेंस। तो ये जो रैंडम है, इट कैन ओनली ड्रॉ लाइंस एंड कैरेक्टर यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, परफेक्ट फॉर पेंटिंग, परफेक्ट फॉर ड्रॉइंग। सॉरी गलती से लिखा है, ये ड्रॉइंग है। तो ये क्या करता था, ये ड्रॉइंग के लिए यूज होता है और ये पेंटिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पर कंट्रोलर वीडियो कंट्रोलर अलाउड नहीं है, इसमें वीडियो कंट्रोलर अलाउ होता है जो फ्रेम बफर से उठा करके बाइनरी फॉर्म को डिस्प्ले कराता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम सिर्फ उसी पार्ट पर पड़ेगी जहाँ पर उसे ज़रूरत होगी, यहाँ पर लाइन बाई लाइन स्टोर करेगा। और इसमें जो डेफिनेशन, इस जो पिक्चर की डेफिनेशन होती है, मतलब पिक्चर जो स्टोर होती है वो सेट ऑफ लाइन्स के रूप में स्टोर होती है रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल में। इसमें बफर फ्रेम बफर में स्टोर होती है। ये रैंडम स्कैन डिस्प्ले जो इसके जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं वो महंगे होते हैं और साइज में स्मॉल होते हैं, और इसमें जो होते हैं वो सस्ते होते हैं और लार्ज फाइल में होते हैं। जब तो आपने देखा होगा, अगर आप अपनी कंपनीज के लिए लोगो या कुछ डिज़ाइन कराते हैं तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, क्योंकि रैंडम जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो महंगे होते हैं। रैंडम स्कैन डिस्प्ले में एडिटिंग ईजी होती है इन कंपेरिजन ऑफ रास्टर में, क्योंकि इसमें पिक्चर की क्वालिटी का लॉस ज़्यादा होता है रास्टर ग्राफिक्स में। रैंडम में ऐसा नहीं होता, अगर हम रैंडम को जूम करेंगे तो उसकी क्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर उसमें रास्टर में करते हैं तो वो पिक्सल पड़ने रहते हैं। जैसे कि हम अपने मोबाइल में ही हमारे 10 15 20 जितने मेगा पिक्सल कैमरा होगा उतना ही जूम होता चला जाएगा, लेकिन कभी ना कभी जा करके वो फटने लगेंगे पिक्सल, क्योंकि उसमें कोई मैथमेटिकल नहीं है, बाइनरी के फॉर्म में डाटा स्टोर करना है। जितना डाटा होगा उतना बढ़िया होगा, इसलिए जितने मेगा पिक्सल कैमरा होता है उतना ही फ़ोटो की साइज बड़ा होता चला जाता है। रैंडम में क्या होता है, मैथमेटिकली फंक्शंस लगे होते हैं। अगर एक लाइन ड्रॉ करी है तो यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस हिसाब से उसे कितना भी जूम कर लो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसकी इन्फिनिटी स्केल होती है, इसका लिमिटेड स्पेस होता है, वही है इसमें कितना भी जूम कर सकते हैं। आते हैं वीडियो कंट्रोलर पे। एक फिक्स्ड एरिया ऑफ सिस्टम मेमोरी इज रिजर्व फॉर फ्रेम बफर एंड द वीडियो कंट्रोलर इज गिवन डायरेक्ट एक्सेस टू द फ्रेम बफर मेमोरी। यहाँ पर सिस्टम मेमोरी का एक फिक्स्ड एरिया रिजर्व होता है फॉर फ्रेम बफर। जो फ्रेम बफर होता है, जो मैंने बताया था, जो रास्टर ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट होता है उसको डिस्प्ले कराने के लिए फ्रेम बफर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर वीडियो कंट्रोलर एक एक्सपेंशन कार्ड है जिसका काम होता है आउटपुट जनरेट करना डिस्प्ले करने के लिए इमेज को। यहाँ पर वीडियो कंट्रोलर यूज़ करता है फ्रेम बफर से और डिस्प्ले कराने के बीच का जो प्रोसेस होता है वो वीडियो कंट्रोलर यूज़ करता है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स में ग्राफिक्स कार्ड आते हैं जो ये काम करते हैं, क्योंकि सीपीयू को हमें आइडल रहने के लिए, मतलब सीपीयू पे वर्क ना पड़े ग्राफिक्स का, इसलिए ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किए जाते हैं। अगर ग्राफिक्स कार्ड ना हो तो हमारी डिस्प्ले ब्लैंक ब्लैंक हो जाएगी। आजकल जीपीयू भी आने लगे हैं जो कुछ मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगे हैं, यानी कि उसकी मदद से सीपीयू पर लोड हल्का हो जाता है और जो सीपीयू से ज़्यादा मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए माइनिंग जो बिटकॉइन से या फिर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है वो भी जीपीयू से बढ़िया होती है इन कंपैरिजन ऑफ सीपीयू। सीपीयू वो परफॉर्म नहीं कर पा सकता
जो वो जीपीयू कर सकता है। पीडी कंट्रोलर को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप एक बंदे से होटल जाने के लिए कोई रास्ता पूछते हैं और उसकी बात आपके समझ में ना आ रही हो, चाहे आप उसे कितना भी ध्यान लगा करके सुन लो, क्योंकि उसकी भाषा अलग है आपसे, और आपको एक ऐसा पर्सन मिल जाता है जो उसकी भाषा समझ पा रहा हो और आपको आपकी भाषा में समझा सके, तो इस तरह से वीडियो कंट्रोलर काम करता है। ये कंप्यूटर की भाषा को समझ करके आपको समझा देता है कि वो क्या कहना चाह रहा है और आपको इमेज डिस्प्ले करा देता है। अब आते हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले प्रोसेसर। तो रास्टर सिस्टम कंटेनिंग सेपरेट डिस्प्ले प्रोसेसर समटाइम रेफर टू एज ग्राफिक्स कंट्रोलर और डिस्प्ले प्रोसेसर। ये कोई बात आई जैसे कि जीपीयू, यानी कि रास्टर सिस्टम कंटेन करके रखता है एक जीपीयू को जो सीपीयू की तरह वर्क करता है। ये सीपीयू को फ्री रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ये डिजिटल पिक्चर डेफिनेशन गिवन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू सेट ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ स्टोरेज इन द फ्रेम बफर, यानी कि ये वैल्यू को स्टोर करके रखता है फ्रेम बफर में और जरूरत पड़ने पर उसे डिस्प्ले कराता है। इस प्रोसेस को, इस डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को कहते हैं हम स्क्रीन कन्वर्जन। ये कुछ एडिशनल परफॉर्मेंस ऑपरेशन भी करता है, जैसे ये लाइन के कई सारे स्टाइल जनरेट करके देता है, जैसे डैश्ड लाइन शो करनी है या फिर सॉलिड या फिर डॉटेड, और डिस्प्ले करता है कलर एरिया को। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी कराता है, यानी कि मूविंग पार्ट जो होते हैं, और ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है इनपुट डिवाइस, जैसे कि उस इंटरेक्टिव इनपुट डिवाइसेस के बीच में, जैसे कि माउस या फिर लाइट पैड, टच पैनल, डीसी। हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस फॉर ऑपरेटर। इनपुट डिवाइस तो यही हो गए, जैसे इसमें पांच टाइप के लॉजिकल डिवाइस यूज़ किए जाते हैं इनपुट के लिए, लोकेटर, पिक, वॉल्यूएटर, कीबोर्ड, चॉइस। लोकेटर जो होता है वो पोजिशन और ओरिएंटेशन को प्रूव करता है, जैसे कि टैबलेट, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच पैनल, लाइट पैन, माउस। पिक होता है टू सेलेक्ट डिस्प्ले एंटिटी, यानी कि लाइट पैन नहीं कह सकते हम इसको, पिक करने के लिए यूज़ होता है। वैल्यूएटर होते हैं, ये पुराने ज़माने में चलते थे, जो हमारी जो टीवी की नोड होती हैं उस तरह से। कीबोर्ड यानी कि कीबोर्ड जो हमारा होता है, और चॉइस, ये यहाँ पर चॉइस में भी काफ़ी सारे पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। अब बात करते हैं बेसिक इंटरेक्शन हैंडलिंग। जब हम कोई शेप या टेक्स्ट को ड्रॉ कर देते हैं, तो अब हमारा मकसद बनता है कि हम ऐसे प्रोग्राम को भी डिज़ाइन करें जो यूज़र्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके, यानी कि ह्यूमन जो डेवलपर है वो यूज़र्स के लिए एक अच्छा प्रोग्राम बना सके। तो इसी को भी बेसिक इंटरेक्शन हैंडल कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ। तो ह्यूमन का फैक्टर होता है, ह्यूमन फैक्टर्स में क्या होता है कि वो डील करता है इंटरेक्टिव प्रोग्राम के साथ, कि जो यूज़र है वो आसानी से समझ सके और उसे आसान दिखे, वो करने में आसान फील हो और उसे सीखने में भी आसानी हो, तो इस तरह से हम उसका ग्राफिक्स का प्रोग्राम बना सकें। इसमें क्या होता है, इसकी गाइडलाइन दी गई है, प्रोवाइड सिंपल एंड कंस्ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस। हमें ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए सिंपल और कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस चाहिए होता है। हमें यूजर्स के ऊपर ओवरलोड नहीं करना है बहुत सारे ऑप्शन और स्टाइल प्रोवाइड करके अपने ग्राफिक्स के प्रोग्राम में। हमें उसे कुछ ऑप्शन देने हैं जो उसे क्लियरली विजिबल हो जाए, और गिवे रिस्पॉन्सिबल फीडबैक, जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें फीडबैक प्रोवाइड कर सके। इस तरह सभी और कुछ उस प्रोग्राम में यूज़ करना चाहिए, और अगर यूज़र से कुछ मिस्टेक हो जाती है उस प्रोग्राम के अंदर, तो उसे वो रिकवर कर सके, अपना जो डाटा है उसे रिकवर कर सके। बेसिक इंटरेक्शन हैंडलिंग में दूसरा ऑप्शन आ जाता है लॉजिकल, जो हम डिवाइस और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस यूज़ करने वाले हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें उस प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पर लॉजिकल इनपुट डिवाइस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, लोकेटर, माउस वगैरह। लॉजिकल आउटपुट डिवाइस, जो हमारा लॉजिकल आउटपुट डिवाइस हमें प्रिंटर वगैरह यूज है। हम आते हैं सैम्पलिंग की, यानी कि पूलिंग, अगर उसमें पूलिंग सैम्पलिंग करनी
और इंटरप्ट यानी उसमें कोई एरर वगैरह आ जाती है तो उसको सपोर्ट करना। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। अगर आपको कोई नई टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।